वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड, हु इज विक्टोरियन पोइट। उसकी एक पोइम है डोवर बीच, हम उसको डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। है इस जो कहानी में है, जो इस पोइम में है, पोइट अपनी एक व्यथा सुनाना चाहता है। वो देखता है एक समुद्र किनारे बैठा हुआ है, समुद्र किनारे बैठा हुआ, बिल्कुल साइलेंस है वहां पे, क्योंकि समुद्र में अभी अभी ज्वार भाटा आया है और आके शांत हुआ है, बहुत उथल पुथल मचा के शांत हुआ है। और वहीं पे बैठ के वो शांति से सोचता है कि आज जो ये संसार है, इतना ज्यादा उथल पुथल मच रखी है इसमें, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले संसार में एक दूसरे में बहुत प्रेम की भावना हुआ करती थी, एक दूसरे के लिए जीते मरते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं लोगों में ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और वो इस संसार की तुलना किससे कर रहा है, उस समुद्र से कर रहा है जिसमें अभी अभी ज्वार भाटा आके शांत हुआ है। तो कहता है सेम ऐसे ही समुद्र के जैसे जैसे ज्वार भाटा आया है, वैसे ही आज दुनिया हो चुकी है। दुनिया में भी हर तरीके का ज्वार भाटा आता है, जैसे कि एक दूसरे के लिए बुराई रखना, एक दूसरे के से कोई संबंध नहीं रखना, एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम की भावना नहीं रखना, ये सब संसार में दिखाई देता है। ये जो ज्वार भाटा है संसार में, ये जो दूसरों को देख नहीं पाने का, वो उठ रहा है। फिर ये भी वैसे ही शांत हो जाएगा जैसे समुद्र का उठा हुआ ज्वार भाटा शांत हो गया है। लेकिन उस जो ज्वार भाटा समुद्र में आया है वो बहुत तबाही मचा चुका है। सेम ऐसे ही दुनिया का जो ये है बिहेव है, जो दूसरों को पसंद नहीं करना, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं रखना, ये भी एक ज्वार भाटे से कम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Dover Beach is a lyric poem by the English poet Matthew Arnold. It was first published 1867 in the collection New Poems. However, surviving notes indicate its composition may have begun as early as 1849. The most likely date is 1851, originally published 1867. The main themes in Dover Beach are religious uncertainty, human continuity, and the consolation of love. Religious uncertainty in the Victorian period, religious belief went as a result of scientific discovery and the progress of modernity. Dover Beach laments this loss. अभी जो मैंने बताया है शुरू में, वही ये बता रहा है कि जो संसार में रिलीजियस अनसर्टेनिटी हो गई है, लव का जो डिससेटिस्फाइड हो गए हैं, वो सब है, वो संसार में पाए जा रहे हैं, और उससे बहुत लॉस भी हुआ है। एंड वंडर्स वेयर पीपल कैन फाइंड मीनिंग। इसका जो फॉर्मेट है इस पोएम का वो कैसा है। डोवर बीच कंसिस्ट्स ऑफ फोर स्टेंजा, ईच कंटेनिंग ए वेरिएबल नंबर ऑफ वर्सेस। द फर्स्ट स्टेंजा हैज 14 लाइंस, सेकंड स्टेंजा 6 एंड थर्ड 8 एंड फोर्थ 9 स्टेंजा। ये इसका फॉर्मेट है। इज फॉर द मेट्रिकल स्कीम देयर इज नो apparent rhyme scheme but rather a free handing of the basic lamenting iambic pattern। तो इस पोइम का जो फॉर्मेट है वो कैसा है कि ये तीन स्टेंजा में डिवाइड हो रखी है। फर्स्ट स्टेंजा 14 लाइंस रखता है, 6 रखता है सेकंड एंड थर्ड रखता है, 8 एंड फोर्थ स्टेंजा रखता है 9। चार स्टेंजों में विभक्त की गई है ये पोइम, और जिसमें है इसमें कोई मैनली राइम स्कीम नहीं है, ये विदाउट एनी राइम स्कीम लिखी गई है, फ्री राइम स्कीम लिखी गई है। और इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है जो है मेटाफर, वो मेटाफर यूज किया गया है लाइन 21 में। दिस इज वन ऑफ द मेजर गो फॉर ब्रॉक मेटाफर्स इन डोवर बीच। द
स्पीकर यूजेज द आइडिया ऑफ द सी दैट ही इज स्पेंट सो मच टाइम बिल्डिंग अप बट द टाइम ही टर्न्स इट इंटू ए मेटाफॉर फॉर द ह्यूमन बिलीफ इन ए हायर पावर द रियल सी ऑफ द इंग्लिश चैनल इज री इमेजिड एज ए सी ऑफ फेथ. इसकी जो पोइम की टोन है वो टोन कैसी है. द टोन ऑफ डोवर बीच इज प्रीडोमिनेंटली मेलनकोलिक एंड टू ए सर्टेन एक्सटेंट इवन ट्रेजिक. द प्रीडोमिनेंट मूड ऑफ डेस्पेयर एंड ग्लूम प्रीवेडन थ्रू आउट द पोइम. इसकी टोन कैसी है, मेलनकोलिक है, उबाऊ कर देने वाली, क्योंकि जो पोइट है वो अभी उबाऊ हो चुका है इस संसार के रवैयों को देख के, बहुत उबाऊ हो चुका है और वो कामनेस पाने के लिए समुद्र के किनारे जाके बैठता है. और इस जो पोइम है वो ट्रेजिक भी है, दुखद इसलिए है क्योंकि वो संसार की स्थिति से खुश नहीं है पोइट. और अभी अभी वो ज्वारभाटा भी आया है, उसने भी बहुत तबाही मचाई है. और प्रीडोमिनेंट मूड है ऑफ डेस्पेयर, निराशा का जो मूड है वो इसमें शो किया गया है. डोवर बीच बाई मैथ्यू अर्नॉल्ड इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग. ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है. इसमें डोवर बीच में जो मैथ्यू अर्नॉल्ड है वो खुद अपनी स्थिति बताता है और बता के वो जो इंट्रोडक्शन कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसको कर रहा है, स्पीकर्स को, लिसनर्स को कर रहे हैं. लिसनर्स कौन है, हम ऑडियंस को कर रहे हैं, जो वर्ल्ड में रहने वाले जो लोग हैं उनको वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये पोइम कह रहे हैं. तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है. लेमेंटिंग द लॉस ऑफ ट्रू क्रिश्चियन फेथ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द मिड 1800 एज साइंस कैप्चर्ड द माइंड्स ऑफ द पब्लिक द पोएट्स स्पीकर कंसिडर टू बी मैथ्यू अर्नॉल्ड हिमसेल्फ बिगिन द डिस्क्राइबिंग काम एंड क्वाइट सी इन द इंग्लिश चैनल. तो ये है पोइम मैथ्यू अर्नॉल्ड के द्वारा लिखी गई. इसकी हमने डिस्कस किया अबाउट द समरी ऑफ दिस पोइम, अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस पोइम एंड फॉर्मेट ऑफ दिस पोइम, थीम ऑफ द पोइम, टोन एंड फिगर ऑफ स्पीच. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वही बात, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू.